नमस्कार, अविलासा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ तंदूरी चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैंने एयर फ्रायर में बनाया है। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव ओवन में भी बना सकते हैं। मैं उसके टेम्परेचर के बारे में भी आपको बताऊँगी। इसे बनाना बहुत आसान है, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। यह तंदूरी चिकन ऊपर से तंदूरी फ्लेवर का और अंदर से बहुत ही मॉइस्ट और टेस्टी बनता है। आप इसे ज़रूर बनाएं, आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने 1 किलोग्राम चिकन लिया है। चिकन के पीसेस को मैंने कट लगा लिया है। ये कट मैंने अंदर तक लगाया है। इस कट की वजह से मसाले अंदर तक जाएंगे और ये अंदर से भी टेस्टी होगा। अब इसे मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमने हंकड़ लिया है 1/2 कप। दही को मैंने छन्नी पे कुछ देर के लिए रख दिया था, जिससे इसका सारा पानी निकल गया है और अब ये बहुत ही गाढ़ा दही तैयार हुआ है। इसमें हम टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डालेंगे। इसके साथ ही मैंने 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और लेमन जूस लिया है 2 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर हम लेंगे 2.5 टीस्पून। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे 3 टेबल स्पून तंदूरी मसाला डालेंगे। तंदूरी मसाला आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। गरम मसाला हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसके साथ ही कसूरी मेथी पाउडर 1 टीस्पून। टर्मरिक पाउडर लिया है हमने यहाँ 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल डालने से इसमें बहुत ही अच्छा तंदूरी फ्लेवर आता है। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें इन चिकन के पीसेस को रखकर और मैरिनेट करेंगे। हमने जो कट लगाया था उसके अंदर भी हमें मसालों को भरना है, जिससे कि इसे एयर फ्रायर में बनाते समय अंदर तक मसालों के फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, हम अंदर तक भी कट के अंदर भी मसालों को भर रहे हैं। इसी तरह सारे पीसेस को हम मैरिनेट करने के लिए मसाले भरकर तैयार करेंगे। सभी पीसेस को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, उसमें अच्छे से मसाले लगा लिए हमने। देखिए, सारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इसे कवर करके हम फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। आप इसे जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हमने यहाँ पर एयर फ्रायर का बास्केट लिया है। देखिए, ये मैरिनेट हो चुका है हमारा चिकन। और अब हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करके और इन पीसेस को एयर फ्रायर के बास्केट में डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें एक साथ नहीं डालना है, एक के ऊपर एक हम नहीं डालेंगे, अलग अलग इन्हें हम अरेंज करेंगे। मैं इसे माइक्रोवेव में भी बनाने के लिए आपको टेम्परेचर बताती हूँ। मेरे पास LG का माइक्रोवेव है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें ग्रिल प्लस माइक्रो चाहिए, तो हम कॉम्बी को 3 टाइम प्रेस करेंगे और 15 मिनट का टाइमर लगा देंगे। 15 मिनट के बाद फिर हम ग्रिल पर सेट करेंगे और 20 मिनट के लिए इसे लगा देंगे। उसमें भी ये बहुत ही अच्छा बनता है। आप एक बार बनाकर ट्राई करें, पर बीच बीच में आप चेक करते रहें। जो मैरिनेशन के मसाले हैं उसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे फ्लेवर अच्छा आए। सारे चिकन पीसेस को हमने अरेंज कर दिया है। इसे अब एयर फ्रायर में डाल देंगे और टेम्परेचर हम यहाँ पे 180 डिग्री रखेंगे और 10 मिनट का टाइमर लगा देंगे। 10 मिनट का टाइमर हमने लगा दिया है। अब हम इसे स्टार्ट कर देंगे। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोलेंगे और देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसके ऊपर बटर अप्लाई करेंगे। अभी तक हमने थोड़ा भी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया था। हल्का सा 1 लेयर बटर की हम इसके ऊपर लगाएंगे, जिससे ये थोड़ा मॉइस्ट रहेगा। अब हम इन पीसेस को पलट देंगे ताकि ये नीचे से भी अच्छी तरह पके। ये देखिए, नीचे से हम अब ये पूरी तरह से पका हुआ नहीं दिख रहा है। अब हम इसे पलट देंगे।
अब फिर से हम इसे एयर फ्रायर में डालेंगे और इस बार हम 180 डिग्री की जगह पे 200 डिग्री पे टेम्परेचर को सेट करेंगे, क्योंकि अब हमें इसे पकाना बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी हमें इस पे अच्छा कलर चाहिए और ऊपर से ये क्रिस्पी होना चाहिए। और 10 मिनट के लिए हमने इसे लगा दिया है। 5 मिनट के बाद बीच में एक बार हमने इसे रोका है और इस पे हल्का बटर अप्लाई कर दिया है। बस हमें इतना ही बटर अप्लाई करना है और अब हम इसे फिर से एक बार पलट देते हैं ताकि नीचे से भी ये बहुत अच्छे से फिर से पक जाए। अब फिर से जो हमारा 5 मिनट बचा है हमने उसे स्टार्ट कर दिया है। 10 मिनट हो चुके हैं, यानी टोटल 20 मिनट हमने इसे पकाया है। फर्स्ट 10 मिनट हमने इसे 180 डिग्री पे और लास्ट का 10 मिनट 200 डिग्री पे। देखिए इस पे कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल तंदूर में पके हुए चिकन की तरह दिख रहा है ये। ये रेसिपी आप या तो एयर फ्रायर में बनाएं या माइक्रोवेव में, दोनों में ही ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। आप इसे अपने पसंद की चटनियों के साथ खा सकते हैं या फिर टोमेटो सॉस या मेयोनीज के साथ। तो फिर देर किस बात की, बनाइए, खाइए और अपने अपनों को खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।